हेलो गाइस, मेरा नाम इंजमाम और आप देख रहे हैं इंजमाम के चैनल इंजमाम आईडी। सो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप डेनोम एडिटिंग कैसे कर सकते हो, डेनोम एडिटिंग। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो का बिल्कुल भी मत करना आप, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो गाइस, ज़रा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलता हूँ मैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपने मॉडल को सिलेक्ट करना एंड टूल्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एडजस्ट का ऑप्शन पे आना। एडजस्ट का ऑप्शन पे आने के बाद आपको इसकी सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देनी है, नहीं तो आप इफेक्ट्स पे जाके BMW इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली मैं इसे सैचुरेशन को कम कर दूंगा एंड अगेन ऐड फोटो में जाऊंगा। ऐड फोटो में जाने के बाद ये लाइट पेंजी आपको मैं दे दूंगा, रेड लाइट पेंजी लिंक में आप सिंपली उसे लेंगे एंड इसे ब्लेंड टू ओवरले कर देना। ब्लेंड टू ओवरले करने के बाद आपको सिंपली अपने फेस पे कुछ के इस हिस्से पे कुछ इस तरीके से लगा देना, एडजस्ट कर देना एंड अगेन ऐड फोटो में जाना एंड आपको ये ब्लड का पेंजी मैं दे दूंगा। बुलेट रेड पीएनजी इसे ब्लेंड टू मल्टीपल करना एंड इसे सिंपली उल्टा करके कुछ इस तरीके से अपने आँख पर एडजस्ट करना छोटा करके। तो मैं सिंपली इसे एडजस्ट कर लूँगा एंड सिंपली इसे इरेज पे क्लिक करके आपको सिंपली इसे इरेज कर लेना। मैं इरेज कर लूँगा ऊपर से एंड ऐसा लगे कि हमारे आँख से ये ब्लड बाहर आ रही है एंड इसे सिंपली एंड इसकी मैं एक कॉपी ले लूँगा। तो इसे ऊपर पे क्लिक करूँगा एंड इसे डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली इसे भी बड़ा करके अपने आँख पे इस कुछ इस तरीके से बैठा दूँगा बड़ा करके एंड सिंपली इसे भी ऊपर से इरेज कर दूँगा, इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके। एंड सिंपली इसे भी मैं डन कर लूँगा और ये हो गई हमारी डन। डन करने के बाद आपको सिंपली ड्रॉ टूल में आना आपको सिंपली कलर्स का आइकन पे क्लिक करना है एंड वाइट कलर को सिलेक्ट करना है एंड इसे ब्रश पे क्लिक करना है। ब्रश पे क्लिक करने के बाद आपको साइज अपने हिसाब से रखनी है एंड ओपेसिटी फुल कर देनी है एंड इसे सिंपली अपने आई पे चला देना। ये साइज हमारी कुछ बड़ी हो गई थी, मैं इसे साइज को कम कर लेता हूँ एंड अगेन अपने आई पे यानी कि आँख पे चला दूँगा कुछ इस तरीके से एंड अच्छे से चला देना। एंड सिंपली इसे डन कर लेना। डन करने के बाद आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एफएक्स वाले ऑप्शन पे आना है एंड डोजर वाले इफेक्ट को क्लिक करना है एंड यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो में आना एंड आपको कोई लोगो वगैरह है तो आप अपने लोगो को कुछ इस तरीके से बैठा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा लिया अपने लोगो को एंड सिंपली इसे डन कर लेना। एंड अगेन आपको ऐड फोटो में आना। ऐड फोटो में आने के बाद ये क्रैक पीएनजी, क्रैक नहीं बोले तो रेड कलर की पीएनजी सिंपली आपको ले लेनी है एंड इसे ब्लेंड टू मल्टीपल कर देना एंड इसे डुप्लीकेट बना लेना लगभग 3-4 एंड इसे सिंपली अलग अलग करके एंड इसे अपने एक ये क्या कहते हैं मुंह पे कुछ इस तरीके से लगा देना एंड इसके ओपेसिटी लगभग 80 रखनी है
एंड अगेन दूसरे वाले को लेना है एंड इसे सिंपली इससे गर्दन पे नीचे लगा देना कुछ इस तरीके से एंड इसकी भी ओपेसिटी 80 रखनी है। एंड अगेन दूसरे वाली पेंजी को लेना है एंड सिंपली इसे अपने गाल पे यानी कि आई मीन फेस पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड इसकी भी ओपेसिटी 80 रखनी है। एंड सिंपली इसके एक और डुप्लीकेट में ले लेता हूँ एंड इसे अपने क्या कहते हैं दाढ़ी आई मीन नीचे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा एंड सिंपली इसकी भी ओपेसिटी 80 रख के सिंपली यहाँ से ऊपर से मैं डन कर लूँगा। डन करने के बाद आपको सिंपली ड्रॉ टूल पे आना एंड सिंपली इस फोटो को 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।